राइट फॉर सॉल्यूशन से आपको आज यूएसबी पेन ड्राइव से बूटेबल करके विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। तो आइए देखते हैं विंडोज 10 यूएसबी पेन ड्राइव में कैसे डालते हैं। तो देखो आपके पास पहले ये रेफ्यूज करके जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए, और आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको आपको ओपन करना है, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसको आपको सेटअप करना है। जो अपडेट जो मेरा अभी फिलहाल इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो अपडेट जो मांग रहा है तो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो दे देता हूँ। तो ऐसे ही ये हमारा exe ओपन हो गया। अभी फिलहाल मैंने पेन ड्राइव डाली हुई है, उसमें 16 GB पेन ड्राइव है। तो उसमें अभी मैं ये विंडोज़ 10 का हमारा इमेज रहा, तो इमेज को कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे पहले से डाउनलोड करके रखा है, आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए अभी मैं ये रेफ्यूज सॉफ्टवेयर से यूएसबी पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल करता हूँ। तो देखिए ये जो दिस पीसी में जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में फिलहाल जो पेन ड्राइव है ये एफ ड्राइव करके है, उसमें ये जो छोटा मोटा हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसको फॉर्मेट कर देंगे, और फॉर्मेट करने के बाद ये पेन ड्राइव हम इस्तेमाल करेंगे बूटेबल के लिए। तो यहाँ को यहाँ से उसको फॉर्मेट करना रहता है, ये फॉर्मेट में कुछ भी लेबल डालना है तो लेबल डाल सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके ओके करना है। ठीक है, जैसे ही ये फॉर्मेट हो जाती है तो आपको रेफ्यूज करके जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वहाँ से जाके आप बूटेबल बना सकते हो। ये अभी ख़त्म हो गया, ये देखिए जो ये पेन ड्राइव क्लियर हो गया। अभी ये देखो मैंने ओपन कर दिया है, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे उसका कोई शॉर्टकट आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मैंने फोल्डर में रखा है। तो आइए मैं फोल्डर से रन कर रहा हूँ, ये रेफ्यूज exe यहाँ से ओपन कर देते हैं। डबल क्लिक करने से ओपन होती है, ओपन करने के बाद ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट में जाके जहाँ पे आपका ये जो विंडोज 10 का इमेज पड़ा है वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। जैसे उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो ये वार्निंग आ रही है कि आपका डेटा जो भी है वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट करने के बाद ये पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगी। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही ये फॉर्मेट करके रखा है। यहाँ पे ओके करना है, ओके करते ही ये आपका पेन ड्राइव यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट हो रही है। फॉर्मेट करने के बाद ये आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे लग जाएगा। तो ये पेन ड्राइव पूरा बूटेबल करने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पहले ये जो विंडोज 10 पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनती है वो मैं आपको बना के देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें फॉर्मेटिंग में, ये कुछ एरर आ रही है उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले से जो पार्टीशन डाला था वो NTFS था, तो उसको इसके हिसाब से जो भी उसको पार्टीशन चाहिए वो FAT32 bit यहाँ पे सिलेक्ट किया था पहले, अभी मुझे NTFS चाहिए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, डिलीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो ये मैंने पहले जो पार्टीशन बनाया था वो FAT32 था, इसकी सबसे वार्न आया था। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि आपको पेन ड्राइव जो फॉर्मेट करने के टाइम पे NTFS होना चाहिए। NTFS नहीं है तो यहाँ से फाइल सिस्टम NTFS सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ से फाइल सिस्टम NTFS सिलेक्ट कर लेंगे तो ये अपने आप फॉर्मेट करके राइटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। देखो ये अभी कॉपिंग ISO फाइल ये स्टार्ट हो गई। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आगे तक आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा फाइल कॉपी करने के जो भी टाइम लगता है वो अपने आप कुछ उसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जी हाँ सर, हम वापस आ गए हैं। ये देखो अभी ये मैसेज आ रहा है कि आपका ये जो पेन ड्राइव बूटेबल करने वाला प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आपको ये दिख रहा है कि मैसेज कि ख़त्म हो गया प्रोसेस। तो ये क्लोज यहाँ पे आपको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी क्लोज करना है, और यहाँ से क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो कि दिस पीसी में जाके जो आपका पेन ड्राइव था उसमें से ये पूरा विंडोज़ 10 का सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो विंडोज़ 10 कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो आपको जो बूटेबल करने का प्रोसेस जो सीखना था तो वो मैंने यहां पे आपको बता दिया है। तो आप उसको पेन ड्राइव पहले बूटेबल कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जाके आप इंस्टॉल करना सीख लीजिए। तो आप घर पे ही जो विंडोज 10 पे इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जो आपको सही लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।